मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को भिलाई पहुंचे और राधिका नगर में बनने वाले राजीव भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे। भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़े कांग्रेस के नेताओं का पुराना सपना आखिरकार सोमवार को तब पूरा हो गया जब प्रदेश की मुखिया भूपेश बघेल ने कांग्रेस कमेटी के कार्यालय राजीव भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। राजीव भवन को सर्व सुविधा युक्त निर्मित किया जाएगा। काफी अरसे से कांग्रेस के नेताओं को अपने स्वयं के कार्यालय का इंतजार था, जो कि सोमवार को पूरा हुआ। राजीव भवन की भूमि पूजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी विशेष रूप से उपस्थित थे। बहुत जल्दी गूगल भी बनाया, प्रस्ताव भी भेजा और स्वीकृत हुआ, तो सारे काम हुए हैं, इसको भी सबको बताया देता हूँ। आज 14 नवंबर है, नेहरू चाचा की जयंती बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। देश की आज़ादी घूमी रहे, सबसे ज़्यादा जेल में उन्होंने समय बिताया, जो अग्रणी नेता हमारे देश के हैं और देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो नया भारत दिखाई देता है वो उनके सपनों का भारत है और उन्होंने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सबके लिए उन्होंने काम किया। तो चाहे वो पंचवर्षीय योजना की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, सब क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, उन्होंने जो नींव रखी आज हिंदुस्तान आगे बढ़ा है। तो आज मेरी जो हम सब स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग में चलने का।